Hi everyone. So welcome to the class. Today we are discussing culture part 2. Let me just check if it is visible. Please comment and let me know if I am visible to you all. I hope sabko mil gaya tha update about the class. Hello Soma, Neelam, Mercy, Rajesh, Shivani. Hello to everyone. Let us wait for 2-3 more minutes. Let's see if more people join for the class because it is a very very important class. Maine bola tha sabko ki aaj ka class bahut important hai. Yes, hello Munmi, hello Puran, Namrita. Yes, please ask Puran, what is your question? Please go ahead and ask. Good evening to everyone. So we had already had a class on culture. Hum logon ne culture pe already ek class kiya tha. जो कल्चर पार्ट 1 था, आज का है कल्चर पार्ट 2. काफी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कल्चर रिलेटेड. ओके, so I hope it is helpful to all of you. Since ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं हर साल इसे स्पेशल क्लास में भी में ही रखती हूँ. ओके ओके ज़ायरा, ऑल राइट. ओके, हेलो निकिता, वेलकम. कम्युनिटी में रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूटिव लॉ होगा कि नहीं? पुरान, हम लोग ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग रिप्रेसिव लॉ देखा करते थे, अगर हम लोग टॉनिस या डर्खाइम के डेफिनेशन से देखें. और जो मॉडर्न डे सोसाइटीज़ है, एसोसिएशंस, वहाँ पर हम लोग रेस्टिट्यूटिव लॉस कह सकते हैं, पर जनरली इट डज नॉट हैव एनी लिंक विद डर्खाइम्स मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. जनरली हम लोग कम्युनिटी को लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज कम्युनिटी को हम लोग टॉनिस के परस्पेक्टिव से लिंक कर सकते हैं. ओके, यस, ओके. हेलो पूनम, पृथ्वी, दिव्या, मौर्य, हेलो टू एवरीवन. Can anyone suggest me gender related some books? Okay, yes. So Mercy can ask in the group. I think I'm pretty sure काफी लोग होंगे gender related. And मैंने कुछ books नम्रता को last time दिए थे, तो अगर आपको चाहिए English material आप मुझसे भी ले सकते हैं. Those are general gender के readings. Okay. Hello Rajesh, welcome to the class. So in today's class we are going to discuss कल्चर पार्ट 2. सो मैं शुरू करती हूँ क्लास, बिकॉज काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू फिनिश. सो मैं नहीं चाहती कि टाइम बर्बाद हो हमारा. ओके, यस. सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद कल्चर पार्ट 2. आई एम अनअकैडमी, आई एम अंतरा चक्रवर्ती, द अनअकैडमी एजुकेटर फॉर सोशियोलॉजी UGC नेट. ओके, ऑल राइट. मैम, आपको देखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है पढ़ने के लिए. वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट. ओके, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए व्हेन एवर आई टेक क्लास. यस, हेलो शालिनी, गुड इवनिंग. सो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट येट फॉलोड मी ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई चैनल आईडी. आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है मुझे टेलीग्राम में आप लोगों को फॉलो करना है, नहीं तो अपडेट्स नहीं मिलेंगे. और ये सारे क्लासेस के PDFs भी मैं टेलीग्राम में डाल देती हूँ. ओके, and on Unacademy I am known as Antara Chakrabarty. Yes Meenakshi, I am good, how have you been? Welcome to the class. So these are my ongoing plus courses, jo ki hai batch course, complete course, aur ye maine December mein liya tha capsule course, which is a very important course for basic sociology. Okay, hello Bhavya, welcome to the class. सो अनअकैडमी प्लस में आपको पेपर 1, पेपर 2 के सारे मटेरियल्स मिलते हैं. यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनी अदर बुक्स, सारे मटेरियल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे. उसके अलावा रीडिंग मटेरियल्स, PDFs, क्विजेस, मॉक टेस्ट्स, और हर रोज क्लासेस होती है 3:30 और 7 बजे को. और अब से स्पेशल क्लासेस 9 PM को होगी. स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस. ओके, सो इन केस यू पीपल सब्सक्राइब, डू यूज माय कोड, जिससे आप लोगों को 10% की डिस्काउंट मिलेगी. ओके, सो वी कैन डिस्कस अबाउट सब्सक्रिप्शन लेटर ऑन. अभी हम लोग
क्लास शुरू करते हैं। सो आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे, आज हम लोग वही से कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कल्चरल कॉन्फिगरेशन। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, सो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो है मेंशन कर दी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं, ठीक है। और जिन जिन लोगों के प्रोपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए है। ओके, पर जिन कॉन्सेप्ट्स के प्रोपोनेंट्स या फाउंडर नहीं है उनको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सो दोज आर इन जनरल टर्म्स। ओके, ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ वाइल्ड। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कल्चर पार्ट टू, द टॉपिक इज कल्चर कॉन्फ़िगरेशन। अब कल्चर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बाद में भी देखेंगे। ओके, कल्चर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बाद में देखेंगे बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट बाय रूथ बेनेडिक्ट, तो इसको मैं अभी लास्ट के लिए रख रही हूँ, हम लोग कल्चर कॉन्फ़िगरेशन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ऑल राइट, यस श्वेता आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट जनरली ट्वेल्थ के लिए उतना भी हेल्पफुल नहीं हो सकता है, बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज वॉच। ओके, सो पहला टर्म शुरू करते हैं कल्चरल डिटर्मिनिज्म। अब ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म क्या है, हमेशा वेन एवर यू सी द वर्ड डिटर्मिनिज्म इसका मतलब है कॉज। अब मार्क्स का थियरी क्या था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब है सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो इकोनॉमी के वजह से हो रहा है, इकोनॉमी डिसाइड करता है सोसाइटी में क्या होगा क्या नहीं। सो कल्चरल डिटर्मिनिज्म इज अ सिमिलर स्कूल ऑफ थॉट, जो हर चीज जो सोसाइटी में होता है दे थॉट कल्चर एज द मेन कॉज बिहाइंड इट। ओके, सो जो भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, दे आर ऑल डिटरमाइंड बाई कल्चरल फैक्टर्स। सो कहीं पे भी अगर आपको टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म शब्द दिखे तो उसका मतलब है वो लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है। अगर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म शब्द है तो इसका मतलब है इकोनॉमी के वजह से सब हो रहा है। ओके, इन द सेम वे कल्चरल डिटर्मिनिज्म आपको ये कहता है दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इज बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कल्चरल फोकस। नाउ हर एक सोसाइटी का कुछ फोकस एरियाज होता है, मेन पार्ट्स, हर सोसाइटी के कुछ मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। सो इन द सेम वे हमारे एमजे हर्स्कोविट्स ने ये टर्म दिया था जो कि है कल्चरल फोकस। ओके, कि हर सोसाइटी में कल्चरल फोकस एरिया कुछ चीजें होते हैं जिसपे वो सोसाइटी ज्यादा स्टिक करता है। ओके, और बाकी चीजें बैकग्राउंड में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर में हमारे को ये सिखाया जाता है कि अतिथि को भगवान मानना चाहिए। ओके, दैट गेस्ट्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड, अतिथि को कभी भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। दिस इज अ कोर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज द कल्चरल फोकस ऑफ इंडियंस। ओके, सो उस पर्सपेक्टिव से वी कैन से कि इंडियन कल्चर में हमारा अतिथि को भगवान मानना इज अ कल्चरल फोकस एरिया। ओके, इज इट क्लियर कल्चर फोकस, गेस्ट टू बी ट्रीटेड एज गॉड। और ये चीज आपको याद रखना है कि ये टर्म दिया था एमजे हर्स्कोविट्स ने। ओके, सो बाकी चीजें तो बैकग्राउंड में चलती रहती है, बट वो जो फोकस एरियाज होती है वो बहुत ही हम लोग आगे रखते हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म्स। फिर आते हैं नेक्स्ट टर्म में जो कि है कल्चरल ड्रिफ्ट। अब ये कल्चरल ड्रिफ्ट क्या है देखते हैं। सो इट्स ड्रिफ्ट का मतलब है गैप। जब भी आपको ये शब्द दिखेगा ड्रिफ्ट, मतलब ये एक गैप है। ओके, कि कल्चर एक जगह से दूसरे जगह तक हट गया है। ओके, सो मान लीजिए कोई भी हम लोग कल्चर लेते हैं, एक टाइम पे हमारा, अगर आप पुराने फैशन का एग्जाम्पल देखें, पुराने फैशन में काफी चीजें, अब जैसे कि धोती, धोती एक टाइम पे इंडिया में सब लोग पहना करते थे, पर अभी कल्चर ड्रिफ्ट होके जीन्स की तरफ चला गया है, लोग अभी धोती ना पहन के जीन्स पहनते हैं। ओके, अपू विच एवर टर्म्स देर आर नो सच प्रोपोनेंट्स, आई हैव नॉट मेंशन देम, एंड द वंस वेयर प्रोपोनेंट्स आर अवेलेबल आई हैव गिवन इट। ओके, सो लेट्स से इन दीज टू टर्म्स वी डोंट हैव एनी प्रोपोनेंट्स, बट इन कल्चर फोकस वी हैव हर्स्कोविट्स। ओके,
यह क्षमा कल्चर का टॉपिक मैंने एक क्लास पहले लिया था, ये दूसरा क्लास है। ओके, कल्चरल गैप कह सकते हैं, ड्रिफ्ट मतलब हट जाना। ओके, ड्रिफ्ट का मतलब है हट जाना, टू मूव अवे। सो कल्चरल ड्रिफ्ट आपको ये कहता है, यस कल्चर कॉन्फ़िगरेशन इज बाय रूथ बेनेडिक्ट एंड आई विल डिस्कस विद यू ऑल बट इन द एंड। ओके, यस। सो कल्चर ड्रिफ्ट टेल्स यू इट्स एन अनप्लान्ड कल्चरल चेंज। यू डोंट प्लान फ्रॉम बिफोर कि कल्चर का क्या चेंज होगा। ओके, इट इज एन अनप्लान्ड चेंज वेयर द कल्चर इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और चेंज होते होते नया कल्चर्स भी निकल आते हैं। सो जो भी आपके फैड, फैड मतलब टेम्पररी फैशन, स्टाइल एटसेट्रा, ये सारे हमारे कल्चर ड्रिफ्ट में एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ओके, हेलो शांतिका एंड एवरीवन हु हैव जॉइंड अस नाउ। ओके हेलो, सिंस दिस क्लास इज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं हर जगह आप लोगों को कहती रहती हूँ कि क्लास में आए, क्लास में आए। ओके, यस। सो कल्चरल ड्रिफ्ट आप लोगों को आया समझ में? यस, देर इज नो इंटेंशन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंटेंशनली चेंज ला रहे हैं। ओके, फिर आते हैं कल्चरल इम्पेरेटिव्स में। ऑल राइट, सो कल्चरल इम्पेरेटिव्स क्या है देख लेते हैं। कल्चरल इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब ऐसी चीजें जिसके बिना सोसाइटी नहीं रह पाती है। रिमेंबर टेलकट पार्सन्स का भी सेम थियरी है। ओके, फंक्शनल इम्पेरेटिव, फंक्शनल प्री रिक्विजिट एटसेट्रा। इम्पेरेटिव वो चीज होते हैं विदाउट विच सोसाइटीज कैन नॉट फंक्शन। तो ये चाहिए ही चाहिए सोसाइटी के फंक्शन के लिए। ठीक है, सो ये कुछ कल्चरल फॉर्म्स ऐसी होती है जो बहुत एसेंशियल होती है। सो कल्चरल इम्पेरेटिव में हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? मोरेज को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मोरेज हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इफ यू डू नॉट फॉलो मोरेज मोरेज तो फिर सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप यू पीपल रिमेंबर दिस। ओके, सो इट इज सेम एज पार्सन्स का फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, फंक्शनल इम्पेरेटिव। आई होप आप लोग को याद था वो चीज जो हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यस, हेलो बॉन्टी, वेलकम। मैम आईआईटी गांधीनगर में हम लोग नहीं फॉर्म फिल कर सकते, प्लीज बता दीजिए। क्षमा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या कहते हैं, हिंदी स्टूडेंट्स का अलाउड है कि नहीं। एलिजिबिलिटी में चाहिए, वहां पर देखिए कि हिंदी में थीसिस लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, या फिर हिंदी स्टूडेंट्स अलाउड है कि नहीं। ऑल राइट, यस, हेलो रीना यादव, वेलकम। ओके, सो नम्रता इज गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। नम्रता, आई वुड सजेस्ट प्लीज आप ये चीज ना ग्रुप में डाल दीजिए तो सबको मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट, सो कल्चरल इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव मतलब एसेंशियल, उसको चाहिए ही चाहिए सोसाइटी में। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कल्चरोलॉजी। ओके, यस, सो ओके, हेलो मीना, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। हम लोग आज कल्चर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक कल्चर पे टॉपिक डिस्कस किया था, ये हमारा दूसरा क्लास है। ओके, और आप जो है मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप फॉलो करिए, नहीं तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी, @antarachak। इसको अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको क्लास के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। आप इसे जरूर फॉलो करें। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग देखते हैं कल्चरोलॉजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चरोलॉजी किसने दिया था? लेस्ली वाइट। ओके, और लेस्ली वाइट एक मेल है, इसको फीमेल मत समझिए आप लोग, क्योंकि लेस्ली वाइट नाम सुनने में फीमेल लगता है बट इट इज नॉट फीमेल, इट ही इज अ मेल। ओके, अब कल्चरोलॉजी, कल्चरोलॉजी से नाम से ही आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि कल्चर का लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, सो स्टडी ऑफ कल्चर। ओके, सो कल्चर में स्टडी ऑफ कल्चर का एक नया स्टडी निकला था जिसको कल्चरोलॉजी नाम से हम लोग जानते थे। इट वॉज गिवन बाय अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड ही इज वन ऑफ द बिलीवर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग कल लेस्ली वाइट को मल्टीलिनियर एवोल्यूशन में भी पाते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जूलियन स्टीवर्ट
मेरे प्लस स्टूडेंट को आप लोगों को जानना चाहिए कि मल्टीलिनियर एवोल्यूशन में हम लोग लेजली वाइट का नाम भी देखते हैं, है ना. सो ही वाज आल्सो अ बिलीवर ऑफ एवोल्यूशन थियोरी ऑफ कल्चर, और उन्होंने कल्चरोलॉजी बोल के एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर का नया नाम दिया था. ओके कि कल्चर को अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग कल्चरोलॉजी कहेंगे. नाउ व्हाट इट इज थोड़ा देख लेते हैं. He wanted to apply the organismic analogy of structure function. अगर आप लोगों को functionalism या structure functionalism school के thoughts याद है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि functionalist जो होते हैं वो लोग society को as a whole देखते हैं, society को parts पे नहीं देखते हैं, macro, macro या फिर society as a whole. वो लोग सोसाइटी को बाय पार्ट्स नहीं देखते थे. आई होप यू पीपल रिमेम्बर. ओके सो ये भी वही बिलीव करते थे कि कैसे स्पेंसर का जो आइडिया था कि पूरा सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बॉडी जैसा है जहां पर उसके अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, अलग ऑर्गेन्स के क्या कहते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे सोसाइटी में भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव डिफरेंट फंक्शंस. यस एग्जैक्टली नम्रता, यू आर राइट. ओके सो इन द सेम वे उन्होंने भी कल्चरोलॉजी में वही बताया कि कैसे कल्चर को भी हम लोग एज अ होल ही देखेंगे, उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट नहीं देख सकते. सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दैट कल्चरोलॉजी और साइंस ऑफ कल्चर इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस कंसर्न्ड विद साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. तो आप कल्चर को साइंटिफिकली समझोगे, उसे एनालाइज करोगे, डिस्क्राइब करोगे एज अ होल. ओके नॉट बाय पार्ट. बाय पार्ट आप लोग कल्चर को नहीं समझ पाओगे. सो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय पार्ट आप लोग सोसाइटी या कल्चर को नहीं डेसिफर कर पाओगे. ओके सो दिस इज वी कैन से अ स्कूल ऑफ थॉट विद इन कल्चर जो कि इवोल्यूशन या फंक्शनलिज्म से काफी मिलता जुलता है. ओके तो ये कल्चरोलॉजी किसका था, लेजली वाइट का था. और ये चीज आया है नेट में, इट इज अ PYQ जो कि आया है, पूछा गया था कि कल्चरोलॉजी किसका है. सो यू पीपल हैव टू रिमेम्बर इट वेरी वेल. ओके सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है प्लीज आप लोग मुझे पूछे. ओके देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स लेटर ऑन. बाद में किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं होना चाहिए. ओके अब आते हैं कल्चरल ऑल्टरनेटिव. कल्चरल ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, विकल्प. ओके ऑल्टरनेटिव मतलब जो आप रिप्लेस कर सकते हो. अगर ये चीज नहीं भी माने तो दूसरे चीज से आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि मर्टन का थियरी था फंक्शनल ऑल्टरनेटिव. ओके सो कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स वो चीजें होती हैं व्हिच गिव यू ऑल्टरनेटिव चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल एक्शन विच आर इक्वली एक्सेप्टेबल इन सर्टेन केसेस. ओके एक दूसरा ऑप्शन बेसिकली आपको चॉइस दे देते हैं. जैसे आपको एग्जाम में MCQs मिलती है चार ऑप्शन, वैसे भी कल्चर में आपको ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं जा भी सकते हैं या फिर आप घर पे भी रह के पूजा कर सकते हैं. सो हमारे कल्चर में वी हैव दीज ऑल्टरनेटिव्स. काफी कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको किसी भी तरीके का विकल्प हमेशा रहता है. और ऑल्टरनेटिव शब्द का मीनिंग है विकल्प, विच मीन्स यू हैव अनादर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. ओके ऑल राइट सो आई थिंक दिस इज क्लियर. आई थिंक आप लोगों को कल्चरल ऑल्टरनेटिव आया समझ में. डोंट वरी, मैं एक काम करूंगी, लास्ट में अगर टाइम है तो हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दोहरा लेंगे. ओके फिर आते हैं कल्चरल रेसिड्यूज में. कल्चरल रेसिड्यूज को मैं समझाती हूँ, आप लोग प्लीज एग्जाम्पल से समझे. पहले के जमाने में मान लीजिए मुगल एरा में तो प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं, तो लोग किताबें कैसे लिखते थे, वो लोग कलम से लिखते थे, राइट. सो कैलीग्राफी जो था कि कलम से किताबें लिखने का जो जॉब था, दैट वॉज वेरी कॉमन इन मुगल एरा. पर ये चीज अभी फेड हो चुका है, अब ये ऑक्यूपेशन नहीं रहा, किताबें लिखने का ऑक्यूपेशन चला गया, नो मोर. ओके यस हेलो उपासना, वेलकम टू द क्लास. सो पहले क्या होता था कि काफी सारे ऐसे ऑक्यूपेशन, अगर आप सोचो ऐसे बहुत सारे नौकरियां थे जो अभी नहीं रहे. ओके बट पार्ट बाय पार्ट थोड़ा बच गया है. सो जो थोड़ा बच जाता है उसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं. जो चीज थोड़ा
बच जाता है. ओके प्लीज फॉरगिव माय हिंदी. ठीक है. यस, रेसिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर. जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो आया होगा समझ में. आई वॉन्ट द हिंदी पीपल टू नो कि अब जैसे क्या हो गया कि कैलीग्राफी का एग्जाम्पल आप लोग लिए. कैलीग्राफी मतलब सुंदर हैंडराइटिंग से अपने कलम से लिखना. अब ये ऑक्यूपेशन तो चला गया है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैलीग्राफी लोग करते नहीं है. आजकल भी आप लोग देखेंगे कि बहुत लोग हैंडराइटिंग जो है कैलीग्राफी है ये है तो सही पर ऑक्यूपेशन के फिलहाल रूप से ये नहीं रहा. ठीक है. यस सो ऑल्सो नोन एज कल्चर सर्वाइवल. इसको कल्चरल सर्वाइवल भी कहा जाता है. डिनोट्स अ कल्चरल ट्रेट विच इज नो लॉन्गर. उसका जो पहला ओरिजिनल फंक्शन था अभी वो नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग मशीन आ गया है तो लोग अभी किताब लिखते नहीं है, वो लोग प्रिंट करवाते हैं. ओके सो इट स्टॉप्ड और सीज्ड टू बी. बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली गायब हो गया. अभी भी थोड़ा बहुत आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं बट उसका जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ है वो चला गया है. ओके सो कल्चरल रेसिड्यूज मतलब कल्चरल लेफ्ट ओवर्स. ओके इज इट क्लियर? शुड वी मूव अहेड? इतना तक समझ में आया आप लोगों को? ओके सो लेट्स मूव अहेड देन. फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हमारा कल्चरल ट्रेट. अभी कल्चरल ट्रेट मतलब क्या है? जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल नाम की एक चीज होती है. आप लोगों ने सबने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारा बॉडी जब बनता है तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है. पहले हमारी बॉडी एक सेल से शुरू होती है फिर वो बट के दो होता है फिर बढ़ते बढ़ते हमारा शरीर बनता है. ओके इन द सेम वे कल्चर के कुछ सेल जैसे चीजें होती हैं. ओके सिंपलेस्ट आइडेंटिफाइएबल सिग्निफिकेंट यूनिट. हर कल्चर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. आर यू पीपल एबल टू लिसन? इज इट विजिबल? प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करें नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं. यस ओके तो कैसे एक अलग अलग सेल मिलजुल के बड़े एक यूनिट बनते हैं इन द सेम वे कल्चरल ट्रेट आपको कहता है कि कैसे छोटे छोटे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कल्चर के विच कम टुगेदर टू फॉर्म द होल कल्चर. तो कल्चरल ट्रेट को हम लोग सिंपल या फिर सबसे सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ कल्चर कह सकते हैं. ओके तो ये चीज आपको याद रखना है कि काफी सारे कल्चर के जो टॉपिक्स है उसके मीनिंग सेम है. ओके मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग नाम दी है इनको. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके सो जब बहुत सारे कल्चर ट्रेट्स एक साथ मिलके एक प्रॉपर कल्चर बन जाते हैं उसे हम लोग कल्चरल कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं. मान लीजिए ये एक कल्चर हो ट्रेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया. अब ये चारों ट्रेट मिलके अगर हमारा इंडियन कल्चर बन जाए तो इंडियन कल्चर को जो पूरा बन गया उसको हम लोग कल्चर कॉम्प्लेक्स के नाम पे बुला सकते हैं. ओके ऑल राइट कल्चर कॉम्प्लेक्स मतलब जब बहुत सारे कल्चर ट्रेट्स एक साथ मिलके कोई फंक्शन प्ले करना शुरू करे सोसाइटी में दैट इज कल्चर कॉम्प्लेक्स. कल्चर ट्रेट्स एटसेट्रा ऑल आर जनरल टर्म्स. ओके अमिता इज सेइंग क्लार्क विजलर ने दिया था. ओके तो अमिता इज टेलिंग अस कि ये कल्चर ट्रेट हमारा विजलर से आ रहा है. मुझे देखना पड़ेगा इनकेस इट इज कन्फर्म्ड तो हम लोग कन्फर्म कर लेंगे. ओके कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर तो नहीं होगा नम्रता, इट इज ओनली इन वन कल्चर. जब अलग अलग ट्रेड्स एक साथ मिल जाते हैं देन वी कॉल इट अ कल्चर कॉम्प्लेक्स. ओके ऑल राइट सो मैं अभी आप लोगों को देख के बताती हूँ वेदर कल्चर ट्रेट हमारे विजलर का है कि नहीं. अगर है तो हम लोग अभी वो कर लेंगे. ओके सो आई होप मीनिंग आप लोगों को आया समझ में. ओके
सो आई विल हैव टू फाइंड, इन केस मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, कि कल्चर ट्रेड का एग्जैक्टली विजलर ने दिया है कि नहीं. कल्चर कॉम्प्लेक्स का वन एग्जाम्पल, कल्चर कॉम्प्लेक्स आप कोई भी पर्टिकुलर कल्चर ले लीजिए, ओके, कोई भी आप लोग पर्टिकुलर कल्चर ले लीजिए, उसके बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो मिलके एक कल्चर कॉम्प्लेक्स बनता है. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कल्चर, इट कैन बी सेड अ कल्चर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कल्चरल ट्रेड्स. ओके, ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कल्चरल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब क्या है? अगर एक गिलास में मैं पानी भरूं और उसमें मैं सैंड डाल दूं, सैंड मतलब धूल, तो सैंड जाके नीचे जम जाएगी. ओके, यस, अगर ये वाटर है और वाटर में मैं सैंड डालूं तो सैंड जाके नीचे जम जाएगी. तो ग्रेडियंट इसका मतलब है, ये ग्रेडियंट है हमारा. इसका मतलब कि कैसे कुछ सोसाइटीज डिक्लाइन कर जाती है कल्चर. ओके, लाइक वन वॉच जिसके पार ट्रेड हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स होके फंक्शन करता है. यस तनु, यू आर राइट, यू हैव गिवन अ गुड एग्जाम्पल. ओके, सो कल्चर ग्रेडियंट में आपसे ये कहता है कि कैसे कुछ कल्चर्स डिक्लाइन हो जाती है टाइम बाय टाइम, फेड होती जाती है. ओके, और अपने कल्चर सेंटर से नीचे पहुंच जाती है, मतलब ये अलग हो जाती है, धीरे धीरे फेड हो जाना. बहुत सारे ऐसे कल्चर के आपको चीजें मिलेंगे जो धीरे धीरे फेड हो चुकी है, आजकल वो नहीं माने जाती है, तो वो ग्रेडियंट के हिसाब से एक साइड में चली जाती है. जैसे कि अगर मैं पानी में धूल या मिट्टी डालूं तो वो मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगा, वो मिक्स होके नहीं रहेगा. इसका मतलब वो जो पुराना चीज है वो खुद ब खुद दूर चला जाता है सेंटर से. ओके, इज इट क्लियर? कल्चर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है जो फेड हो जाता है, जो चीज नीचे सेटल हो जाती है, जैसे कि पानी में धूल. ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है काउंटर कल्चर. ओके, काउंटर मतलब जो हमारा मेन कल्चर है सोसाइटी में, जो मेन कल्चर है उसका ऑपोजिट अगर कोई आ गया उसे हम लोग काउंटर कल्चर, काउंटर मतलब ऑपोजिट. ओके, सो ग्रुप वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग विच आर इन ऑपोजिशन टू द प्रिवेलिंग नॉर्म्स. हमारे सोसाइटी में जो चीजें एक्सेप्टेड हैं उससे अगर मैं ऑपोजिट में जाके कुछ नया बनाऊं तो उसे हम लोग काउंटर कल्चर कहते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन या टेररिज्म. ये सारे चीजें हमारी सोसाइटी के मेन नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं. अगर मुझे टेररिज्म कल करना है या फिर एक नए तरीके का रेवोल्यूशन लाना है जैसे कि कम्युनिज्म, तो ये सारे हमारे काउंटर कल्चर हो जाएंगे. काउंटर मतलब ऑपोजिट. ओके, जो हमारा डोमिनेंट कल्चर है, मेन जो कल्चर है उसका ऑपोजिट अगर आया तो उसे हम लोग कहेंगे काउंटर कल्चर, डोमिनेंट कल्चर का ऑपोजिट. रिजेक्शन ऑफ ऑनगोइंग कल्चरल थिंग्स, यस. ओके, ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी लोग कल्चरल रिलेटिविज्म और कल्चरल प्लूरलिज्म में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते हैं. ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म को सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे, मर्सी सिंह मैम, कल्चरल ग्रेडियंट सोसाइटी में एग्जिस्ट होता है क्या? ग्रेडियंट मर्सी वो चीजें होती हैं जो थोड़ा बहुत बच जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कल्चरल रेसिड्यूज जो हम लोगों ने देखा है, जो धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है. ओके, यस बॉन्डी, काउंटर कल्चर मतलब मेन या डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट जाना. सो कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मैं इंडियन हूं और कोई दूसरा इंसान अफ्रीकन है. ओके, सो इसको मैं एथनोसेंट्रिक नजरिए से नहीं देखूंगी, आई विल
look at the African from his cultural perspective. उसको मैं अपने cultural perspective से देख के discrimination नहीं करूंगी. So cultural diversity, cultural pluralism, cultural relativism same नहीं है. No, no, not at all, Prithvi, not at all. Cultural relate करना मतलब वो कहते हैं कि आप किसी भी दूसरे culture को अपने उस culture के specific नजरिए से देखें. I will give you an example. Please listen to me. For example, कि अगर कोई culture में लोग कपड़े नहीं पहनते हैं या बहुत कम कपड़े पहनते हैं, तो अगर आप उस culture या tribe में जाके ये बोले कि ये लोग तो इतने uncivilized हैं, ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, वो चीज आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप वो कह रहे हो इसका मतलब यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग. आप उस कल्चर को अपने कल्चर के नजरियों से देख रहे हो. ओके, कि आपके कल्चर में लोग कपड़े पहनते हैं, तो जो दूसरे कल्चर में लोग कपड़े नहीं पहनते हैं वो लोग अनसिविलाइज्ड है. वी कैनॉट डू दैट. एक तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो सबसे पहले फ्रांस बोआस ने इसके बारे में कहा था, जहां पर उन्होंने बोला था कि जब भी हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, तब हम उस कल्चर को उस नजरिए से देखना पड़ेगा. हम जाके ये नहीं कह सकते हैं कि अरे इनको तो खाना नहीं आता, इनको कपड़े पहनना नहीं आता, तो हम एक सही एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे. ओके, आप खुद के कल्चर के व्यू पॉइंट से नहीं देख सकते उस पर्टिकुलर कल्चर को. दैट इज वॉट ही मेंट. ओके, और लेटर फेमस क्या था इसको, हर्स्कोविट्ज़ ने. हर्स्कोविट्ज़ ने इस टर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया था, जो कि बॉस के स्टूडेंट रह चुके थे. ओके, इट इज अगेंस्ट एन एथनोसेंट्रिक बायस. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये स्टडी ऑफ अदर कल्चर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. यस, ओके, उनके पर्सपेक्टिव से आपको कल्चर पढ़ना है, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से. आप एथनोसेंट्रिक नहीं हो सकते. मैं आपको एथनोसेंट्रिज्म समझाऊंगी अभी थोड़ी देर में. ओके, This studies and particular culture from the participant point of view. आप जिस कल्चर को पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप कल जाड़ावा ट्राइब को पढ़ रहे हो, आप जाड़ावा ट्राइब के परस्पेक्टिव से उन्हें देखोगे. आप एक मुंबई के या दिल्ली के लड़की होके उसे नहीं देखोगे. इट फॉरबिड्स एनी प्रायर नोशन. बेसिकली ये कहता है कि आप दूसरे कल्चर को अपने जगह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या फिर उसको जज नहीं कर सकते अपने जगह में बैठ के. ओके, Is it clear? So, इसको आप confuse ना करें दूसरे topics के साथ. Yes. So now let's come to cultural revitalization. Revitalization मतलब फिर से लाना. अगर कोई कल्चर चला गया था, उसको फिर से अगर मैं ले आऊं, मान लीजिए गांधी का जो अहिंसा का जो वे है, द वे ऑफ नॉन वायलेंस, वो अभी है नहीं सोसाइटी में, बट इफ आई वांट टू ब्रिंग दैट बैक, उसको रिवाइटलाइजेशन मतलब टू ब्रिंग बैक, उसे हम लोग कल्चर रिवाइटलाइजेशन कहते हैं. ओके, कि कैसे एक नया चीज हम लोग लाएंगे उस पुराने कल्चर को सरवाइव करके, टू रीगेन टू कम बैक. यस, ओके, सो अभी आते हैं कल्चरल यूनिवर्सल. आप लोगों ने सही बोला था, ये क्लार्क विजलर का है. क्लार्क विजलर ने कल्चरल ट्रेड भी दिया था. सो विजलर कहते हैं कि जो कल्चरल ट्रेड्स हर सोसाइटी में फॉलो होती है, विच आर अ पार्ट ऑफ ऑल द सोसाइटीज, दे आर नोन एज कल्चरल यूनिवर्सल्स. मतलब ये कल्चर के ट्रेड्स हर सोसाइटी में है. ओके, प्रियंका, आपको कौन सा नहीं आया समझ में? रिवाइटलाइजेशन मतलब कल्चर की कुछ ऐसे चीजें जो शायद आप भूल गए हैं या फिर पहले जमाने में था, उसको अगर फिर से आप लौटाना चाहते हैं तो उसे हम लोग रिवाइव करना कहते हैं या फिर कल्चरल रिवाइटलाइजेशन कहते हैं. ओके, फिर से लाना या फिर टू ब्रिंग बैक. कल्चरल यूनिवर्सल्स वो चीज होती है जो हर कल्चर में इंपॉर्टेंट होती है. हर कल्चर में ये होगा ही होगा. ओके, तो ये किसने दिया था? क्लार्क विजलर ने. और क्लार्क विजलर ने कल्चरल ट्रेड का भी कॉन्सेप्ट दिया था. आप लोगों ने सही बोला था. ओके,
ऑल राइट. सो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, इथोस और ईडोस ऑफ कल्चर. कल्चर के दो पार्ट होते हैं, इथोस और ईडोस. हम लोग देखते हैं क्या है. ईडोस मतलब जो चीज आपको बाहर से दिखाई देती है, ठीक है. ईडोस मतलब आउटसाइड, आपको किसी भी चीज का बाहर से जो चीज दिखाई देती है बाहर, और जो चीज असल में जो होती है, जो कल्चर का अंदर का जो मीनिंग है. ओके पूनम, आपको नहीं आया कौन सा समझ में? कल्चरल यूनिवर्सल्स का यूनिवर्सल मतलब क्या? सार्वजनिक, जो हर जगह है. ओके तो ऐसी चीजें हैं जो हर कल्चर में होती है. क्लार्क विजलर ने कहा था कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो हर कल्चर में है. ओके सो उसे कल्चरल यूनिवर्सल्स कहते हैं हम लोग. ऑल राइट सो एथोस और एडोस को आप लोग ध्यान से सुने. एडोस वो चीज होता है जो बाहर से आपको दिखती है. ओके फॉर्मल अपीयरेंस, एक कल्चर को बाहर से आप जो समझते हो. और ईडोस वो इथोस वो होता है जो कल्चर का एक्चुअल रियलिटी होता है, उसका रियल मीनिंग. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप लोग कास्ट सिस्टम का एग्जांपल ले. ओके कास्ट सिस्टम में आपको बाहर से ये कहा जाता है कि अरे कास्ट सिस्टम तो डिविजन ऑफ लेबर है. ओके कास्ट सिस्टम सोसाइटी के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में लेबर को डिवाइड कर रहे हो आप अलग अलग लोगों के बीच. तो ये हमारा ईडोस हो जाएगा कल्चर का. लेकिन कास्ट सही में क्या है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन है ना. कुछ लोगों को ऊंची मानती है, कुछ लोगों को नीचा मानता है. सो इट इज द इथोस. ये सही रियल पिक्चर है कल्चर का. ओके हेलो समरीन, वेलकम टू द क्लास. हम लोग कल्चर के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. ओके सो जो चीज आप बाहर से देखते हो उसे हम लोग ईडोस कहते हैं. ओके लेकिन असल में ये कास्ट सिस्टम है क्या? ये एक जाति भेद करने वाला एक बहुत ही गंदा सिस्टम है जहां पर कुछ लोगों को हाई कास्ट माना जाता है, कुछ लोगों को लो कास्ट माना जाता है. सो ये हमारा ईथोस हो जाएगा. तो ये किसने दिया था? ए एल क्रोबर ने दिया था. आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ए एल क्रोबर. ओके आप लोगों को याद रहेगा, ए एल क्रोबर ने ये टर्म दिया था. ऑल राइट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अभी हम लोग कुछ थियरीज ऑफ कल्चरल चेंज डिस्कस करेंगे. काफी सारे थियरीज है कल्चर बदली कैसे. चेंज मतलब एक कल्चर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो ये चेंज आया कैसे, ये चीज हम लोग देखेंगे थियरीज ऑफ कल्चरल चेंज में. इज इट क्लियर? शुरू करते हैं हम लोग. तो फिर पहला चीज ये देखेंगे कि कल्चरल चेंज है क्या. हर कल्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटीरियल या फिर नॉन मेटीरियल पार्ट होता है. सो एज टाइम गोज बाय काफी कल्चर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस आती है या फिर पूरा का पूरा ही बदल जाता है. ओके सो ये हमें नहीं पता कि कैसे बदलता है क्या नहीं. हम लोग कुछ मेन फैक्टर्स देख लेते हैं कि कैसे बदलता है. नंबर वन, अ चेंज इन एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल कंडीशन. अगर कल्चर, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, मान लीजिए कल आपके घर में फ्लड आ गया, तो फ्लड आने पे आपके लाइफस्टाइल पे भी काफी चेंजेस होंगे. अगर हर साल आपके घर में फ्लड आती रहती है तो आपके कल्चर भी उसके हिसाब से बदल जाएंगे. सो एनवायरनमेंटल रीजन के लिए काफी हद तक कल्चर बदलती है. दूसरा, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोसाइटीज. अगर आपके कल्चर दूसरे कल्चर के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल रही है तो उससे भी कल्चर चेंज आ सकता है. जैसे कि अगर आप लोग देखें, जो लोग पंजाब में रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके कल्चर में काफी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी क्योंकि उन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो पाती है. ओके और यहाँ पर अगर आप लोग वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का देखोगे तो काफी हद तक उसमें आपको मेल दिखेगी क्योंकि दो सोसाइटीज में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती रहती है. ओके नंबर थ्री इज इवोल्यूशनरी चेंज. मतलब सोसाइटी खुद ब खुद एज टाइम गोज बाय चेंज होती रहती है. यस जैसे कि सती कल्चर अब नहीं रहा तो कल्चरल चेंज कैसे आती है? लव मैरिज इन फैमिली. पहले लव मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पर आजकल इंडिया में लव मैरिजेस हो रही है. ओके सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कल्चरल चेंज. अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं कल्चर चेंज से रिलेटेड. So, सबसे पहला है कल्चरल डिफ्यूजन. प्लीज आप लोग ध्यान से इसे देखें.
अब ये कल्चरल डिफ्यूजन है क्या, हम लोग देखते हैं. ओके, डिफ्यूजन मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था स्कूल्स ऑफ कल्चर में. कल्चरल डिफ्यूजन एक ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर. वो लोग ये मानते हैं कि एक कल्चर से कुछ कल्चर ट्रेड्स दूसरे कल्चर तक स्प्रेड होती है एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि दूसरा जनरेशन से दूसरा जनरेशन. डिफ्यूजन का मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज दैट कल्चर चेंजेस या फिर कल्चर ट्रेड्स गेट स्प्रेड फ्रॉम वन कल्चर टू अनादर इन वन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी था. तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के काफी सारे चीजें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी आपको मिलेगी. तो एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक ट्रांसफर हो रही है सेम पॉइंट ऑफ टाइम में. तो ये मेटीरियल भी हो सकता है, नॉन मेटीरियल भी हो सकता है. ओके, सो कल्चरल डिफ्यूजन में पांच तरीके हमें दिखते हैं. नंबर वन इज एक्सपेंशन डिफ्यूजन. ओके, कि एक नया आइडिया अगर कहीं पे जनरेट हुआ तो वो वहां पर तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे कल्चर तक भी स्प्रेड होता रहेगा. ओके, हेलो भावना, वेलकम टू द क्लास. आज हम लोग कल्चर पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं. ओके, ऑल राइट. सो एक्सपेंशन डिफ्यूजन ये मानता है कि एक नया आइडिया मान लीजिए इंडिया में जनरेट हुआ और यहां से धीरे धीरे अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका यहां पर एक्सपैंड होता गया. ओके, लाइक यूटेंसिल्स, टूल्स एटसेट्रा. फिर आते हैं रीलोकेशन. रीलोकेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक रीलोकेट हो जाना. मान लीजिए कोई चीज पहले इंडिया में पाई गई थी पर अभी वो चेंज होके अफ्रीका में चला गया है और अभी इंडिया में वो है ही नहीं. मान लीजिए तो रीलोकेट हो गया, वो इंडिया में पहले तो आया था लेकिन इंडिया से अभी अफ्रीका चला गया और अफ्रीका में ही है अभी, इंडिया से ये हट गया है. नंबर थ्री, हायरार्किकल डिफ्यूजन. ओके, सो अगर एक बड़े जगह से छोटे जगह तक कल्चर स्प्रेड होती है तो उसे हम लोग हायरार्की कहते हैं. हायरार्की तब होती है जब एक बड़े कल्चर से छोटे कल्चर तक कल्चर स्प्रेड होती है. ओके, देन देयर इज कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब ही है कॉन्टैक्ट. हम लोग बोलते हैं ना कि ये बीमारी कंटेजियस है. अभी जैसे कि कोरोना वायरस आया है, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस जो है उसे माना जा रहा है कि ये एक कंटेजियस वायरस है, कि छूने से आपका चला जाएगा. ओके, सो ये पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होता है. अगर कल आप लंदन गए और लंदन में कुछ आपको अच्छा लगा और वो चीज आके आप इंडिया में करो तो वो कंटेजियस डिफ्यूजन हो जाएगा. देन देयर इज स्टिम्यूलस डिफ्यूजन. स्टिम्यूलस डिफ्यूजन मतलब कि कैसे एक नया आइडिया और इनोवेशन आ सकता है बेस्ड ऑन इट्स अटैचमेंट टू अनादर कॉन्सेप्ट. कि कॉन्सेप्ट तो दूसरा था लेकिन वहां से एक नया कॉन्सेप्ट अगर आए. ओके, मान लीजिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कुछ था लेकिन वहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मिक्स होना. ओके, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देसी कपड़ों के साथ विदेशी चीजें ऐड करना, कि आप धोती तो पहन रहे हो लेकिन धोती के ऊपर आप लोग शर्ट्स पहन रहे हो, तो शर्ट धोती ये अलग अलग चीज हो गया. ओके, सो वो एट मैक्स आप लोग को ये याद रखना है कि कल्चरल डिफ्यूजन है क्या और इसके पांच तरीके के नाम आपको याद रखने हैं. ओके, दैट्स ऑल. उतना डिटेल में अगर आप लोग नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा. ठीक है, अभी हम लोग आते हैं एक्कल्चरेशन पे. अब एक्कल्चरेशन और डिफ्यूजन में क्या अंतर है. एक्कल्चरेशन जेनरेशन टू जेनरेशन जाती है, ये सेम टाइम में नहीं होता है. एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक अगर आप अलग अलग कल्चर से चीजें लेते हैं तो उसे हम लोग एक्कल्चरेशन कहते हैं. सेम कल्चर में नहीं होगा. सेम कल्चर में अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लोगों ने सीखा है तो वो एंड कल्चरेशन हो जाता है, जो कि अलग है. एक्कल्चरेशन में एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक चीजें ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर. ओके, हेलो विनोद, वेलकम टू द क्लास. तो ये चीज बिल्कुल ही वॉलेंटरी होती है और स्पॉन्टेनियस होती है, कोई फोर्स करके नहीं आप लोगों को करता है. ओके, एक्कल्चरेशन क्लियर है आप लोगों का. नहीं अप्पू, सोशलाइजेशन वन इज एनकल्चरेशन. आप लोग प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विथ एनकल्चरेशन. एनकल्चरेशन में मैंने क्या बताया आप लोगों, देयर इज वन कल्चर. द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर इन वन कल्चर, बट इन एक्कल्चरेशन इट इज डिफरेंट कल्चर्स.
let's say from the last generation of British, you are taking something that will be acculturation. Now let's come to assimilation. In assimilation, what happens? There is a big culture and there is a small culture. Over the time, ye culture isme sama jayega. So it will become like this. Okay? So assimilation, may the smaller culture becomes a part of the dominant group. It merges with the dominant group. Okay? Maan lijiye, there was a big culture and a small culture. Across time, ye culture iske andar aa jayega. Just like tribals. Yes, Arifa, you're right. For example, how? Silas acculturation is completely different. Silas acculturation or enculturation same hai. Okay? Acculturation ek alag shabd hai. Socialization or enculturation same hai. Jo abhi main aap logo bataungi. Ye dekhiye, maine yahan par likha hai. Enculturation mein kya hota hai? It is same as socialization. यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम कल्चर वाले जनरेशन एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं. सेम कल्चर के होना पड़ेगा आपको. ओके, एकल्चरेशन में अलग अलग कल्चर होती है. देयर इज शिफ्टिंग टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर. सास से बहु में कल्चर का जाना हम लोग एनकल्चरेशन ही कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन. ओके, एग्जैक्टली क्वेश्चन आया है यहां से. अब ये ट्रांसकल्चरेशन क्या है? ट्रांसकल्चरेशन जब दोनों कल्चर से शिफ्टिंग हो रही है, ए से कुछ चीज बी तक जा रही है और बी से कुछ चीज ए तक जा रही है, उसे हम लोग ट्रांसकल्चरेशन कहते हैं. अगर दो वे में एक्सचेंज हो रही है तो. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रा कल्चर. ओके, कॉन्ट्रा कल्चर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर प्लीज आप लोग ध्यान से सुने. कॉन्ट्रा कल्चर वो होगा जब मान लीजिए एक कल्चर हुआ करता था ए. ओके, और मान लीजिए ये टाइम बाय टाइम फेड हो चुका, ये फेड हो चुका है कल्चर. लेकिन फेड होने के बाद एक नया कल्चर आया जो कि है बी, जो कि पुराने कल्चर का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है. ओके, एक नया कल्चर आप बना रहे हो पुराने कल्चर से. मान लीजिए वो पहले एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट कल्चर हुआ करता था, बट अभी वो फेड हो गया है, पर फिर से आप लोग उसे बना रहे हो, तो फिर हम लोग उसे कहेंगे कॉन्ट्रा कल्चरेशन. ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक हॉब्सबॉम का कॉन्सेप्ट इनविटेशन ऑफ ट्रेडिशन से सिमिलर है, कि कैसे एक नया एक ट्रेडिशन आप बना रहे हो पुराने ट्रेडिशन से चीजें लेके. ओके, ये हम लोग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड सिमिलर टू एरिक हॉब्सबॉम्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन ऑफ ट्रेडिशन. रीडिस्कवर एज अ न्यू थिंग बट फ्रॉम पास्ट ट्रेड्स. यस, इट इज सिमिलर टू कल्चरल रिवाइटलाइजेशन. अगर आप लोगों को याद है, मैंने अभी आप लोगों को रिवाइटलाइजेशन पढ़ाया था. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एथनोसेंट्रिज्म वो होता है जब आप खुद के कल्चर को बड़ा मानते हैं, ओन कल्चर को बेस्ट मानते हैं, तो वो एथनो हो जाता है. लेकिन उसका उल्टा हो जाता है ज़ेनो. ज़ेनो में आप लोग ओन कल्चर को वर्स्ट मानते हो. सबसे बुरा आपका खुद का कल्चर है, तो वो ज़ेनोसेंट्रिज्म हो जाएगा. यस, एग्जैक्टली पृथ्वी, यू आर राइट. मॉडिफाइड इवोल्यूशन फ्रॉम एवोल्यूशन, यस वी कैन से दैट ऑल्सो विशाखा. ओके, so these two are opposite to each other. Please remember that ethnocentrism may you judge other people from your own perspective. So you feel that your culture is the best and others are not. It is given by William G. Sumner in his book Folkways. But xenocentrism is the opposite. It implies the rejection of the culture of one's own group. Okay, aap khud ke culture ko sabse bura mante ho, then it is xenocentrism. What is temporocentrism? Temporocentrism is nothing but the temporal aspect of ethnocentrism. मतलब temporary. अगर temporary period के लिए आप लोग ethnocentric बन जाओगे, तो उसे temporocentrism कहते हैं. जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मुगल era सबसे अच्छा था, या फिर कांग्रेस जब था वो सबसे अच्छा था. ओके, तो इसे हम लोग temporocentrism कहते हैं, temporary time के लिए ethnocentric होना.
मोंटी एथनोसेंट्रिज्म मतलब कि अगर आप खुद के कल्चर को बेस्ट मानते हैं, इफ यू जज अदर कल्चर फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव, अगर आप कहते हो कि बाकी कल्चर बुरे हैं लेकिन आपका कल्चर बहुत अच्छा है, दैट इज नथिंग बट एथनोसेंट्रिज्म। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा जेनोसेंट्रिज्म। अगर आप बोले कि इंडियन कल्चर बहुत ही बुरा है लेकिन ब्रिटिश कल्चर बहुत अच्छा है, तो वो जेनोसेंट्रिज्म हो जाएगा। और टेम्पररी एस्पेक्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म को हम लोग टेम्पोरोसेंट्रिज्म कहते हैं। बियर स्टेट का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन भी है, ओके, कि कैसे कुछ पर्टिकुलर एरा को लेके हम लोग ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे कि मुगल एरा बहुत अच्छा था, या फिर जब शिवाजी रहा करते थे तब बहुत अच्छा था, एटसेट्रा, ओके। यस, सुपीरियोरिटी ऑफ वन ओन कल्चर इज एथनोसेंट्रिज्म। ओके, अभी आते हैं हम लोग पैटर्न्स ऑफ कल्चर में। ये पैटर्न्स ऑफ कल्चर क्या है, बहुत ध्यान से सुने। इट इज गिवन बाय रूथ बेनेडिक्ट, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कल्चरल कॉन्फिगरेशन बोल के टर्म दिया था, ओके। सो रूथ बेनेडिक्ट कहते थे कि कल्चर डिपेंड्स ऑन ब्रिंगिंग ऑफ कल्चरल पैटर्न्स। एक हर कल्चर का एक डिजाइन होता है या फ्रेमवर्क होता है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर वो कल्चर ग्रो करता है, उसी को कल्चरल पैटर्न या पैटर्न्स ऑफ कल्चर कहते थे, ओके। उस डिजाइन को हम लोग पैटर्न कहते थे। तो इस पैटर्न के दो पार्ट्स होते हैं, प्लीज ध्यान से सुने। नंबर वन इज कॉन्फिगरेशन, नंबर टू इज जीनियस। प्लीज रिमेंबर द टर्म्स जीनियस और कॉन्फिगरेशन, ओके। कॉन्फिगरेशन है जो आपका डोमिनेंट पैटर्न है कल्चर का, जो मेन फ्रेमवर्क है आपका, वो हमारा कल्चरल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। जैसे कि एक लैपटॉप में आप लोगों को पता है, या कंप्यूटर में कॉन्फिगरेशन होता है। अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कॉन्फिगरेशन ही गलत है, तो फिर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे अपने लैपटॉप्स में, ओके। सो उन्होंने कहा था कि जीनियस जो है इसके दो पार्ट्स है, नंबर वन एपोलोनियन, नंबर टू इज डायनोसियस, ओके। ये डायनोसियस और एपोलोनियन है क्या? एपोलोनियन मतलब जब कल्चर बहुत ही शांत या सिंपल पीसफुल प्रोसेस से आपका कल्चर आया है, लेकिन डायनोसिस वो हो जाएगा जब एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड या एक स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह अगर कल्चर आपका ग्रो किया हो। जैसे कि पार्टीशन को हम लोग स्टॉर्म की तरह ले सकते हैं, कि ये शांति प्रोसेस नहीं था। पार्टीशन के बाद जो भी नए कल्चर आए हैं वो हम लोग डायनोसिस में डाल सकते हैं, ओके। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कल्चर पैटर्न रूथ बेनेडिक्ट का है, जिन्होंने दो पार्ट्स दिया था, कल्चर कॉन्फिगरेशन और जीनियस। और जीनियस के दो पार्ट्स थे एपोलोनियन और डायनोसियस। ये दोनों ग्रीक टर्म्स हैं, ओके। एपोलोनियन मतलब वो कल्चर जो बहुत ही शांति से आया है, शांति से उसका इवोल्यूशन हुआ है। और डायनोसियस वो कल्चर्स होते हैं जो एक तूफान के बाद आया हो, ओके, ये पीसफुली नहीं आया है। ऑलराइट, तो यहां पर सारे टर्म्स आप लोग याद रखो, सारे रूट बेनेडिक्ट के ही हैं। अब आते हैं दूसरा, जो कि है कल्चर पर्सनैलिटी। कल्चर पर्सनैलिटी एक स्कूल ऑफ थॉट है, और इसको किसने दिया था? रूट बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, ओके। उन लोगों ने कल्चर और पर्सनैलिटी स्कूल दिया था, जहां पर उन लोगों ने बेसिकली ये कहा था कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो हमारे कल्चर से बनता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत जोर से चिल्ला के बात करते हैं, पर काफी कल्चर में बहुत धीरे धीरे लोग बात करते हैं। सो हमारे कल्चर से हमारा पर्सनैलिटी बनता है, ओके? तो इसे कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल कहा जाता है, और ये दिया था रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड ने। और ये स्कूल आया है एडवर्ड सापिर के थियरी पे। एडवर्ड सापिर का थियरी हम लोग लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और उनके थियरी से आया है ये, कि कैसे हमारा कल्चर हमारा पर्सनैलिटी बनाता है, ओके। यस यस, लास्ट यू आर राइट, यस नम्रता यू आर आल्सो राइट। सो ये स्कूल के दो मेन थीम है, कि कैसे कल्चर और नेचर, ह्यूमन नेचर में क्या लिंक है, दूसरा कल्चर हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे बनाता है। रिमेंबर, कल्चर पर्सनैलिटी में क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म में ये बताया जाता है कि कैसे अलग अलग कल्चर के लोग, रेस या एथनिसिटीज, माइनॉरिटी ग्रुप्स एक साथ एक कल्चर में कैसे रहते हैं। जैसे इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री,
लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म में दो चीज हो सकती है, एक मेल्टिंग पॉट, दूसरा सैलड बाउल। तो हम लोग देखते हैं ये मेल्टिंग पॉट और सैलड बाउल है क्या। ओके, मेल्टिंग पॉट, जैसे अगर आप एक पॉट को, पॉट में आप आग, पॉट में चीजें लगा के आग लगाओ, तो पॉट में जो भी चीज है वो मेल्ट टुगेदर हो जाएगा, हर चीज मिलजुल के एक हो जाएगा। अगर आप खिचड़ी बनाने की कोशिश करो तो दाल चावल हल्दी नमक जब वो मेल्ट हो जाएगा तो हर चीज मिलजुल के एक हो जाएगा। सो मेल्टिंग पॉट थियरी ये बताता है कि कैसे हमारे जैसे ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स अपना कल्चर भूल के आजकल हिंदूज और क्रिश्चियंस होने लगे हैं। यस एग्जैक्टली नम्रता। ओके, कि कैसे वो लोग एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हर लोग अपने कल्चर को भूल के मेल्ट होके डोमिनेंट कल्चर के अंदर जा रहे हैं। सो इट इज सिमिलर टू एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में भी हम लोग यही चीज देखते हैं कि एवरीथिंग मेल्ट्स टुगेदर टू फॉर्म वन। बट सैलड बॉल कैसा होता है? अगर आप एक सैलड बॉल में आपको बना दूं जिसमें प्याज भी होगा, खीरा भी होगा, टमाटर भी होगा, ओके, तो सैलड बॉल में हर चीज एक साथ रहती है, लेकिन वो लोग अलग अलग अपने चीज में भी रहते हैं। प्याज का टेस्ट खीरा जैसे नहीं हो जाएगा। ओके, सो इट डिस्क्राइब्स अ हेटेरोजेनस सोसाइटी जहां पर हर लोगों का अपना अपना ट्रेडिशन सही मौजूद है। और ये सबसे पहले पॉल यूजेक नाम का एक इंसान है जिन्होंने, जिनको फादर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म हम लोग कहते हैं। ओके, पृथ्वी मल्टीकल्चरलिज्म इज नॉट सेम एज कल्चरल प्लूरलिज्म। ओके, कल्चरल प्लूरलिज्म सिर्फ ये बताता है कि एक सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर है, बट मल्टीकल्चरलिज्म आपको ये कहता है कि वो लोग रह कैसे रहे हैं। कल्चरल प्लूरलिज्म तो पहले आएगा, लेकिन एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में कल्चर के वाया लोग रह कैसे रहे हैं, क्या वो मेल्टिंग पॉट की तरफ जा रहे हैं या फिर सैलड बॉल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा मल्टीकल्चरलिज्म हमें बताता है। ओके, लाइक हिंदू कल्चर, यस। सो पॉल यूजुक को हम लोग फादर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म मानते थे, प्लीज आप लोग इसे याद रखें। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है सर्किट ऑफ कल्चर। सर्किट मतलब आप लोगों को याद है, सर्किट मतलब लिंक होना, जैसे बैटरी का होता है सर्किट ऑफ कल्चर। इसको दिया था स्टुअर्ट हॉल ने। अब ये सर्किट है क्या? ये ब्रिटिश कल्चरल थियरिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जहां पर पांच एलिमेंट है इस सर्किट में। नंबर वन प्रोडक्शन, नंबर टू रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनिए, प्रोसेस का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर थ्री कंजम्पशन, नंबर फोर रेगुलेशन, नंबर फाइव आइडेंटिटी। सो बेसिकली ये स्कूल आपको ये कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है एक सर्किट की तरह है। पहले कल्चर को आप बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, फिर उसे रिप्रेजेंट करना सिखाते हो, फिर उसे आप लोग खुद सीखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, फिर फाइनली आपका आइडेंटिटी जाके फॉर्म होता है। ओके, सो सर्किट ऑफ कल्चर या कल्चर सर्किट दिया था ब्रिटिश कल्चरल थियरिस्ट और फेमस उनका नाम है स्टुअर्ट हॉल। ये जून के एग्जाम में आया था। ओके, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो आपको आपके ये पांचों प्रोसेस का नाम भी आपको याद रखना है, प्रोडक्शन से आइडेंटिटी तक। ओके, सो सर्किट ऑफ कल्चर किसने दिया था? स्टुअर्ट हॉल। और इसका मीनिंग क्या है? पांच स्टेजेस। लास्ट हम लोग आते हैं टर्म कल्चरल डोप पे। कल्चरल डोप दिया था हेड और गार्फिनकल एथनो मेथोडोलॉजी जब उन्होंने समझाया था। ओके, तनु टेम्पोरोसेंट्रिज्म मतलब टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए अगर आप एथनोसेंट्रिक हो जाओ, अगर आप बोलो कि मराठा एरा जो था वो सबसे अच्छा था, या अकबर जब थे वो सबसे अच्छा होता था, या फिर कांग्रेस जब हुआ करता था वो सबसे अच्छा था, सो अगर आप थोड़ी सालों के लिए, थोड़े दिनों के लिए अगर आप एथनोसेंट्रिक हो जाओ, उसे हम लोग टेम्पोरोसेंट्रिज्म कहते हैं। ओके, एंड प्लस स्टूडेंट्स कैन आस्क मी डाउट्स इन डाउट क्लियरिंग सेशन, डोंट वरी। ओके, सो कल्चरल डोप बेसिकली आपको ये कहता है कि कैसे हमारे जो मैक्रो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम पुतलों की तरह है, हम पपेट की तरह है,
सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमें बोलता है हम लोग वही करते हैं, पर ये नकारते हैं वो कल्चरल डोप के कॉन्सेप्ट से. वो कहते हैं कि हम लोग एज एक्टर्स आर नॉट अनरिफ्लेक्टिव फॉलोअर्स, हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, हम लोग हमारा डिसीजन खुद बनाते हैं. ओके, सो कल्चरल डोप आपको ये कहता है कि कैसे हम हमारा रिलेशन खुद बनाते हैं, दूसरे कल्चर हमें नहीं बताते हैं क्या करना है क्या नहीं, या फिर मैक्रो या सोशल फैक्ट हमें नहीं बताता है क्या करना है क्या नहीं. और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेरोल्ड गारफिंकल ने. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई क्लास. आज रात के 9 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, आप लोग वहां पर भी आ जाइए. आप लोग प्लीज अनअकैडमी प्लस में जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा यूज जरूर यूज करें, जो कि है अंतरा लाइव. ओके, अंतरा लाइव मेरा कोड का नाम है, तो आप इसे यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगी. ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिया है, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आप लोग ज्वाइन करो अनअकैडमी प्लस फुल सिलेबस के लिए. जैसे मैंने यहाँ पर क्लास लिया है वैसे पूरे का पूरा टॉपिक मैं ले रही हूँ अनअकैडमी प्लस में, तो अगर आप लोग चाहे अभी भी आप लोग ले सकते हो. ओके, ऑल राइट, एंड इन केस यू ज्वाइन प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है. ओके, यस, कल्चर का टॉपिक खत्म है दो पार्ट्स में, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगी. ऑल राइट, सो मेरे टेलीग्राम में आप लोग जरूर फॉलो करो, और रात के 9 बजे के क्लास में भी आप लोग अनअकैडमी में जरूर आए. ओके ओके, थैंक यू सो मच. एंड दोज ऑफ यू हु वर आस्किंग कि फुल सिलेबस में मार्च तक खत्म करने वाली हूँ, जैन से लेके मार्च तक, और अप्रैल में मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी यूनिट वाइज. ओके, ऑल राइट, यस नम्रता, एनीबडी कैन मेक फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है प्लस स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, और जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं वो लोग मुझे डाउट क्लियरिंग सेशन में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, सो दैट इज नॉट एन इश्यू. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय, आई विल सी यू गाइज एट 9 o'clock एट अनअकैडमी. और मेरे टेलीग्राम को आप लोग फॉलो करें जिसका नाम है अंतरा चक, वहां पर क्लास का लिंक मैं भेज दूंगी, आप लोग क्लास में जरूर आए, और इस क्लास का पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी वहां पे. ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू पीपल सब्सक्राइब डू यूज माई कोड. ओके, नहीं तो मुझे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स मेरे क्लास ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, ऑल राइट, बाय देन. जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है बाद में जरूर देखे, डू नॉट मिस इट. ओके, बाय, थैंक यू एवरी वन, बाय. 9 बजे के क्लास में सब लोग आ जाइए.